हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या मालूम है, जैसे रिटायरमेंट में था वैसा ही सेम डेथ ऑफ पार्टनर ही है। डेथ ऑफ पार्टनर जैसा रिटायरमेंट था ऑलमोस्ट वैसा ही है, खाली इसमें एक पॉइंट रहता है कैलकुलेशन ऑफ डेथ पार्टनर का शेयर। अगर वो एडजस्टमेंट दिया है तो ठीक है, नहीं तो जो भी उसके अकाउंट में बैलेंस आएगा, जैसे रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस आ रहा था उस पर इंटरेस्ट दे रहे थे, इधर भी रिटायरिंग पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपको उसको पे करने का। ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिटायरमेंट, ऑलमोस्ट रिटायर हो गया या मर गया, बात तो एक ही है। बात समझ में आया क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसेस ए बी एंड एम एज ऑन 31st December 2013। ड्रॉइंग कहां जाएगा भाई? ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे डेट दिया है देखो फर्स्ट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स असेट, बिल रिसीवेबल असेट, बैंक बैलेंस असेट, कैश इन हैंड असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, टोटल है ना कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेट प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक लोन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, अदर लोन, टोटल। समझ में आया क्या? आपका पहला काम तो हो गया मार्किंग करने का। अब हम एडजस्टमेंट रीड करते, कुछ नया एडजस्टमेंट ऐसा लगा नहीं है, एडजस्टमेंट रीड करके देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। एडजस्टमेंट दिया है 1 जुलाई 2013 को ए मर गया, तीन पार्टनर थे ए बी और एम, हमारा जो बैलेंस शीट का डेट था 31 दिसंबर 2013 है, बराबर ये मरा कभी है 1 जुलाई 2013 को, मतलब जैन में साल चालू रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को निकल लिया, मतलब 6 महीना बिजनेस में था, मतलब जो भी आप एडजस्टमेंट करने वाले हो 6 महीना उसके साथ 6 महीना उसके बाद, बिफोर डेथ आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ 6 महीना है, आफ्टर डेथ भी 6 महीना है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, 6 महीना प्री है तो 6 महीना पोस्ट आएगा, तो इसका मतलब टाइम रेशियो इक्वल है 1:1। चलिए सानी का आगे क्या दिया, फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड अपॉन फॉर द पर्पज ऑफ द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर रिक्वायर टू गिव द इफेक्ट ऑफ देम। पहला, गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज एट 30,000 एंड ब्रॉट इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल रेज करना है, हमेशा जो गुडविल कौन रेज करता है? ओल्ड पार्टनर। गुडविल कौन रेज करता है? ओल्ड पार्टनर। इधर सिर्फ रेज करना है, तो जब भी गुडविल रेज होगा तो इसकी जर्नल एंट्री है, गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर तो जिंदा ही है, तीनों के अकाउंट में जाएगा। आगे राइट ऑफ वगैरह कुछ बोला नहीं है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मशीनरी वर्थ ₹24,000 वॉज परचेज ऑन 31st March 2013। हमने मशीनरी कभी खरीदा है? 31st March 2013 में। हाँ मैं कुछ बोला ही नहीं बेटा, कुछ नहीं भाई, बैठो बैठो, स्टूडेंट जाते रहते, कट बीट करके क्या मतलब है। चलिए स्टार्ट करते भाई, मशीन कभी खरीदा है? 31st मार्च 2013 को खरीदा है। साल कभी खत्म होने वाला है? December 2013 में। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स यूज हुआ है। कितने का मशीन? 24,000 का मशीन। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है,
भाई प्लांट एंड मशीनरी को माफ करें, क्या बोला है आपने 24,000 का मशीन 31 मार्च को खरीदा है बट इनवॉइस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा ही एडजस्टमेंट आपने एडमिशन में भी किया है, समझ में आया, सेम एडजस्टमेंट आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्या करना है, मशीनरी को तो मार्क कर दिया, नेक्स्ट प्रिया उसके बाद क्या है, बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए, मतलब जो ए मर गया है उसके अकाउंट में जो बैलेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए मतलब ए के अकाउंट में जो बैलेंस आने वाला है आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, गिविंग द इफेक्ट ऑफ अबाउट वॉज टू बी ट्रीटेड एज लोन ऑफ मिसेस ए, मतलब मिस्टर ए निकल लिया भाई, अब तेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो तेरी वाइफ के नाम पे एज अ लोन हमारे बिजनेस में रहेगा, लेकिन हम उसके ऊपर आपको ब्याज देंगे कितना परसेंट, 15%, समझ में आया क्या, क्लियर है, पक्का समझा कुलदीप, चलिए मतलब इसको किसके लिए मार्क करना है या किसी को नहीं, उसके बाद फर्दर एडजस्टमेंट में दिया क्लोजिंग स्टॉक, कभी क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करते हैं नहीं, बैड डेट प्रोविजन मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है भैया, डेटर्स को स्टार मार्क कर दो एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी मार्क किया है, बिल्डिंग भाई बिल्डिंग का है इसी के ऊपर है बिल्डिंग को मार्क कर दिया, 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं, ईच पार्टनर को सैलरी देने का है पार्टनर से रिलेटेड है किसी को मार्क नहीं करेंगे, लोन ऑफ ₹300 वॉज गिवन टू वर्कर, हमने वर्कर को ₹300 का लोन दिया, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, भाई सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है देखना पड़ेगा भाई सैलरी किधर है, हाँ जी सैलरी दिख गया तो एडजस्टमेंट सैलरी के ऊपर है भाई साहब, सैलरी को स्टार मार्क कर दो, और कोई एडजस्टमेंट है क्या देखो जरा, देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट, हाँ एक और है आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस, भाई ट्रेड एक्सपेंसेस को स्टार मार्क करना पड़ेगा, भाई आ जाते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस भाई साहब को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट, यहां तक क्लियर, एनीवन एनी डाउट, इतना तो सब कर ही सकते हो, फाइनल अकाउंट जैसा है कुछ नया यहां पे नहीं है, अब क्या पोस्टिंग नॉर्मल पोस्टिंग करेंगे फटाफट से, चलिए स्टार्ट करेंगे, पहला है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कहां जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू ड्रॉइंग, कितना है भाई ड्रॉइंग, पार्टनर ए बी एम, ए का 12,000 नॉर्मल उम्र हो गई भाई, उम्र हो गई चाची, 4,000 क्लियर है, कितना समझा, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया जरा चेक करते, परचेज कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो भाई अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, देखो ये जो मैंने अकाउंट बनाया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पहले से लिख के रखा है बराबर है, तो थोड़ा पोर्शन अपन ट्रेडिंग के लिए लेंगे बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहला आता है इसके फॉर्मेट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस रिटर्न्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये तो बेसिक है ना, इतना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते ही है, अभी एडजस्टमेंट परचेस का दिया, कितना दिया परचेस, बस 52,000 समझ में आ गया, उसके बाद क्या देखो जरा, उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न का मतलब क्या है, जो आया था वो रिटर्न हुआ, क्या आया था सेल्स ना, हाँ क्या बेवकूफ लोगे, गुड्स रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न किया, जो आया था खरीदा था परचेज किया था वो रिटर्न किया, परचेज रिटर्न कितना, कितना है ₹800 डेबिट साइड पे दिया है, देखो जरा क्रेडिट साइड पे माइनस करेंगे तो डेबिट परचेज रिटर्न होता है, नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक, कितना है भाई 8,000, नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो टू
सैलरीज, बट सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सबर अली आराम से सॉल्व करेंगे, अमाउंट लिख रहा नहीं हो, इसको फुर्सत से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, तो टू, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं जी, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है? अब ये 4000 इक्वल बटेगा, हमेशा याद रखो यहां पे जब कॉलम बनने वाला है, यहां पे जो कॉलम बनेगा प्री डेथ पोस्ट डेथ, समझ में आया क्या? इधर पर इधर रुपीस रुपीस का कॉलम है, ट्रेडिंग अकाउंट में रुपीस है, समझ में आया क्या? क्योंकि इधर प्री पोस्ट नहीं होएगा, प्री पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बोलता है तो करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कॉलमनर फॉर्म आता है, लेकिन उस टाइम पे वो स्पेसिफाई करेगा, पहले इतना परचेज बाद में इतना परचेज, पहले इतना सेल्स बाद में इतना सेल्स, वो स्पेसिफाई करेगा। इधर कोई स्पेसिफिकेशन था क्या? नहीं, इसलिए इधर रुपीज रुपीज और यहाँ पे प्री एंड पोस्ट आ जाएगा, समझ में आया? चलिए, तो इक्वली ऑफिस एक्सपेंसेस को 2000, 4000 था ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बोलना बेटा, तेरा डाउट बोल। परचेज रिटर्न, अच्छा गुड्स रिटर्न फ्रॉम बोला है, क्या बोला है मैं पढ़ लेता हूं, एक मिनट, एक गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न कौन सा करेंगे? जो आएगा वो रिटर्न करेंगे। अब यहां पे भी एक रिटर्न है, जो क्रेडिट का रिटर्न, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट का रिटर्न, मतलब हमने रिटर्न किया, देखो कंफ्यूजन है, एक्चुअली में इधर ही स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। गुड्स रिटर्न कौन से साइड पे दिया? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा इफेक्ट होता है? क्रेडिट इफेक्ट, बराबर है, हमने वहां पे रिटर्न माइनस किया है, वो डेबिट साइड का इफेक्ट आना चाहिए, करेक्शन, वो जो बोल रहा बात सही है कि वो जो गुड्स रिटर्न है वो जाना चाहिए सेल्स रिटर्न में, बात समझ रहा है? अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि इधर जो दिया ना ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही है, क्लियर? इधर से इतना ही पता चल रहा है, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? हमने रिटर्न किया है या सामने वाले ने रिटर्न किया है, ये मालूम नहीं है, तो इधर कंफ्यूजन है। तब अब हम ये कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे? ये कौन सा रिटर्न है, कौन से साइड का है? डेबिट साइड का है, तो डेबिट साइड का जो रिटर्न होगा उसे आप सेल्स रिटर्न कहोगे, समझ में आया? कंफ्यूजन क्या था? गुड्स रिटर्न ही था खाली, गुड्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न है क्या परचेज रिटर्न मालूम नहीं है, जो तेरा डाउट है बराबर है, क्या है गुड्स रिटर्न, तो मेरे को तो यही लगा भाई, गुड्स रिटर्न मतलब हमने जो गुड्स खरीदा था वो रिटर्न किया, परचेज रिटर्न, बट जो अमाउंट दिया है वो डेबिट साइड पे दिया है, और डेबिट साइड का रिटर्न का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो यहां पे जो आपने रिटर्न लिखा है उसे मैं रब कर रहा हूं, और वो रिटर्न कहां चले जाएगा? तुम्हारा सेल्स रिटर्न में, समझ में आया क्या? अरे समझा, पहले आप लोगों ने तुक्का मारे बेटा, चलिए कितना है भाई? 800, क्लियर, समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया? 800 है ना, आज क्या हुआ तेरे को? आगे आगे, यहां पे आगे स्टॉक आ गया, सैलरी हो गया, ऑफिस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस 1500, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, शर्मा किया ना अपने, ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस इन, अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा। उसके बाद है बैड डेट, बैड डेट्स को मैं अलग से लिख देता हूं, यहीं पे मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूं, टू बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आर, फॉर्मेट क्लियर है ये वाला? अभी जो बैड डेट्स दिया वो ये वाला है, कितना दिया बैड डेट्स? 700, क्लियर यहां तक? अरे समझा, उसके बाद क्या है जी? कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, टू कैरेज इनवर्ड 1500, उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा? कैरेज आउटवर्ड कितना है जी? इक्वल बटेगा कितना? 1125, 2250 बोल रहे ना तुम, 1125, अरे समझा?
हाँ जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद क्या है? डेटर्स कहां जाएगा? असेट साइड पे। असेट साइड पे डेटर्स कितना है? 23,000, 33,500। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट है क्या? डायरेक्टली लिख लेता हूं, बिल रिसीवेबल कितना? 1,000। आउटर कॉलम नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? बैंक बैलेंस कहां जाएगा? असेट साइड पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बैंक बैलेंस कितना? 2,800। नेक्स्ट। उसके बाद कैश इन हैंड, ये भी आपका असेट है, कैश इन हैंड कितना है? 700। फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? असेट में जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना है? 5,000। नेक्स्ट। उसके बाद बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है कितना है? इनर कॉलम है क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 12,000। फिर उसके बाद डन, इतना क्लियर? चलिए ठीक है, क्रेडिट साइड पे जाओ। क्या है? कैपिटल, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी एम 12,000, 12,000, 12,000। अरे समझा? नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। भाई सेल्स जाएगा ट्रेडिंग कितना है? 92,000। उसके बाद अभी ये क्रेडिट साइड पे दिया है, मतलब परचेज रिटर्न है कितना है? 600। उसके बाद बैड डेट प्रोविजन, मतलब ओल्ड आरडीडी, भाई ओल्ड आरडीडी अपन ने फॉर्मेट कितना है? कितना है? 3,000। अरे समझा? उसके बाद क्या है? बैंक लोन किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या बैंक लोन पे? नहीं। बैंक लोन कितना है? 6,700। नेक्स्ट। उसके बाद क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। कितना है? 25,500। सर आपने इनर कॉलम में लिख दिया सर, इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट है, क्या है वो एक्सप्लेन करता हूं, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे 900। उसके बाद अदर लोन, कोई एडजस्टमेंट? अदर लोन कितना? समझ में आया क्या? क्लियर यहां तक? पोस्टिंग सबको क्लियर है? आते एडजस्टमेंट की तरफ, देखते एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट देखते। पहला जो एडजस्टमेंट दिया है वो एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, क्या गुडविल कितना रेस करना है? 30,000। जब गुडविल रेस करेंगे तो एंट्री क्या है? गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल हमारे लिए क्या है? असेट है, तो असेट अकाउंट के अंदर डेबिट में आ जाएगा गुडविल कितना? 30,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। गुडविल का फायदा नुकसान कहां जाता है? पार्टनर्स में, तो बाय गुडविल। अब 30,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? देखो पहले लाइन पे कुछ दिया है क्या? ओल्ड रेशियो कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है, मतलब इक्वली तीन पार्टनर में बटेगा। इक्वल बटेगा मतलब 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। उधर था डेबिट, दूसरा इफेक्ट दे दिया यहां पे क्रेडिट, क्लियर? नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? देखो जरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कि भाई मशीनरी, यस ये एडजस्टमेंट है, 24,000 का मशीन खरीदा है बट उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मशीन खरीदा है तो मशीन का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ना, बढ़ेगा मतलब एड होएगा, एड अनरिकॉर्डेड परचेस कितना भाई? 24,000। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। अब क्योंकि ये आपने उधार में खरीदा है तो आपको अमाउंट पे करना है, एनीथिंग पेबल इज योर लायबिलिटीज, तो आप इसको क्रेडिटर्स में ऐड करोगे,
अनरिकॉर्डेड परचेज कितना जी 24,000। अरे बात समझा केविन, समझ में आया? मैंने मशीन खरीदा और रिकॉर्ड नहीं किया, तो मशीन खरीदा, मशीन का वैल्यू बढ़ेगा, मशीन में ऐड कर दिया, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब जब मशीन खरीदा तो पैसा तो देने का ही है, किसको देने का? जिससे उधार में खरीदा है, जिससे उधार में खरीदा उसे कहते हैं क्रेडिटर्स, तो इनको इसमें ऐड करना। बात समझ में आया क्या? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद एडजस्टमेंट दिया था आपको, रिकॉर्ड करना है बैलेंस। अरे सर ये तो लास्ट में सॉल्व होएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 14,300, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड 14,300, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बराबर है कि नहीं? तो असेट साइड पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है, समझ में आया क्या? पक्का बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट दिया है? बैड डेट प्रोविजन टू बी कैप 1,500 रुपए, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, तो भाई अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स। मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा एक साइड पे, इधर देखो यहीं पे एक फॉर्मेट है, तो इसी के अंदर पहला इफेक्ट मैं दे देता हूं। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स कितना भाई 1,500, एग्री, डेबिट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस होता है, तो भाई डेटर्स में से लेस आर डी डी 1,500, ले बेटा फर्दर बैड डेट्स लिख दे बस, क्लियर? समझाना एडजस्टमेंट, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? डेप्रिशिएट प्लांट एट द रेट 10%, बिल्डिंग बाय 5%। डेप्रिसिएशन जरा ध्यान से करेंगे, देखना डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। भाई इधर आएगा 1,000, वेरी सिंपल, इधर 1,000 2,000 क्या आएगा जरा ध्यान देना, मैं दोनों अमाउंट अलग लिख रहा हूं, यहां पे वर्किंग बना रहा हूं। ओपनिंग में मेरे पास था 12,000, फिर मैंने परचेज किया 24,000। हां जी, अब ये तो पूरा साल यूज हुआ है, बट ये सिर्फ कितना महीना यूज हुआ है? मार्च से, मार्च 31 को खरीदा तो मार्च तो नहीं आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो ये कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? कितना परसेंट है? 10%, इसका 10% 1,200 और इसका 10% 2,400 साल भर का है, तो आधे साल का 1,200, उसके भी आधा साल का 600, 1,200 और 600 1,800, समझ में आया? अब ये 1,200 बटेगा इक्वली 1:1 में, ये 1,200 कैसे बटेगा भैया? ये कब रिटायर हुआ, डेथ कब हुआ है? 1 जुलाई को ना, अरे बराबर, मशीन कभी खरीदा? अप्रैल मई जून और जुलाई से पोस्ट। बात समझ में आया क्या? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का, क्योंकि हमारा जो पोस्ट चालू हो रहा है वो जुलाई से चालू हो रहा है, अप्रैल मई और जून, तो यहां पे 3 मंथ्स और यहां पे 6 मंथ्स, तो इसे 3:6 में इसको 1:1 में डिवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन टोटल कितना? 1,200 और 1,800 यानी कि 3,000। लॉजिक क्लियर हुआ? इसका 10% साल भर का, इसका 10% 9 मंथ का, साल भर का 1,200 इक्वली बटेगा, जो भी आएगा वो 3 और 6 में बटेगा, समझ में आया? 9 मंथ्स, क्लियर है? पक्का, चलिए भाई इधर आ जाता हूं, डेप्रिसिएशन लिख देता हूं। तो यहां पे डेप्रिसिएशन आएगा 3,000, बराबर, डायरेक्टली लिख दिया। अब आता है इसका दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे 2 डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग 1,000 था, 1,000 मतलब 500, ये 3,000 था, 3,000 नहीं 1,200 था, तो 1,200 का आधा 600, अरे हां आदित्य क्लियर हुआ, तो ये कितना हो गया भाई 600 हो गया। यहां पे कितना आएगा? तो 9 से डिवाइड करेंगे,
600 और तो प्री में कितना 600 600 1200, पोस्ट में कितना 1800। समझ में आया? तो यहां पे प्री में आपको आ जाएगा 1200 और इधर आएगा 1800। 1200 1800 कितना हो गया? समझ में आया ना? ये 1200 पहले वाले का साल का नहीं है, 1800 बाद वाले का साल नहीं है, वर्किंग मैंने बताया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैपिटल के नीचे हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब है, कैपिटल के नीचे आ जाते यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट बोला है? 15%। 12000 का 15% 1800, यहां पे सिर्फ 900। अरे समझा क्यों ऐसा किया? समझ में आया? क्योंकि ये डेथ होने वाला है, तो ये 6 महीने था, बाकी लोग तो पूरे साल भर का है। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। कहां जाएगा भाई? अप्रोप्रिएशन में। अप्रोप्रिएशन में जाएगा ना भाई? अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे जरा ध्यान से, बाय सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी एम, ए का 900 डैश, बाकी का 1800 तो इक्वल बटेगा 900 900 900 900। अरे बात समझा? समझ में आया? तो अब डायरेक्टली इधर 2700 और उधर 1800, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2700 और 1800। एनी डाउट? समझाना क्या किया ये? पक्का? चलिए ठीक है। तो यहां पे मैंने बाइफरकेशन दिखाया नहीं स्पेस की वजह से, आपको तो दिखाना ही है। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? उसके बाद दिया है ईच पार्टनर इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1200 पर एनम। साल भर का सैलरी कितना देना है? 1200 रुपए। सैलरी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है, हाँ या नहीं? जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड है, तो यहां पे आएगा टू सैलरी। ए को भी देना है, बी को भी देना है, और 1200 पर एनम है, साल भर का है, तो ए को कितना मिलेगा? 6 महीने का, तो 1200 का आधा 600, 600 ए का आया। बी और एम का कितना आएगा? 1200 1200, तो 1200 प्लस 1200 2400 प्लस 600 कितना हुआ? 3000। तो मैं सैलरी डायरेक्टली लिख रहा हूं 3000, बट कैसे लिखूंगा? इधर 600, हाँ भाई, ए बी सी तीनों को पगार देने का 1200 1200 1200। ए को तो प्री में आएगा 600, बी और सी का 600 600 आएगा, तो इधर 6 3 18 600 600। हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अरे समझा? तो मैंने इधर 600 600 1800 हो गए इसके, यहां पे आएगा 1800 और इधर आएगा 1200। 600 600 दो ही पार्टनर है ना अभी तो पोस्ट में। समझ में आया? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट के अंदर क्रेडिट बाय सैलरी। बाय ए को कितना दिया? 600, इसको दिया 1200, इसको भी दिया 1200। अरे समझा क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लोन ऑफ ₹300 वॉज गिवन टू वर्कर। हमने लोन दिया था वर्कर को, लेकिन वो डेबिट किधर हो गया? सैलरी में। तो मतलब सैलरी से निकालना पड़ेगा। तो सैलरी कितना है जरा क्वेश्चन में चेक करते, जरा देखते सैलरी कितना है। तो सैलरी क्वेश्चन में दिया था 9000, चलिए देख लेते। ये लास्ट एडजस्टमेंट था ना? नहीं, इसके बाद ऑप्शन नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, बड़को मत। सैलरी कितना था भाई? 9000। 9000 में से 300 निकाल दो, कितना बचा? 8700। भाई ये 300 निकाल के डालना कहाँ है? ये 300 निकाल के आपने लोन दिया है, लिया नहीं है, तो आपका क्या बन जाएगा? असेट। तो मैं असेट साइड पे जाऊंगा और असेट साइड पे लिखूंगा लोन टू द वर्कर। यहां पे आ जाएगा लोन, लोन टू वर्कर कितना दिया है? 300। ये डेबिट और दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, हम सैलरी में से निकाल देंगे। तो माइनस किया आप बचा 8700, इक्वली बांट दो तो 4350 बराबर। 4350, 8700 हो गया, 300 इसमें से माइनस भी हो गया। समझ में आया? लास्ट एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस।
कितना आउटस्टैंडिंग है 100। ट्रेड एक्सपेंसेस था कितना देखो क्वेश्चन में, 1500 में 100 ऐड करेंगे तो 1600 हो जाएगा, तो 1600 को इक्वली बांट देंगे 800 800। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, सिर्फ 100 रुपए का इफेक्ट आएगा, तो 100 रुपए का इफेक्ट इधर आ जाएगा बाय, अरे रुक बापा, यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 100 रुपए। अरे बात समझ में आया, सारे एडजस्टमेंट डन एक्सेप्ट डेथ पार्टनर का कैलकुलेशन। ओके अब जरा देखते हैं कैलकुलेशन, जैसे रिटायरमेंट का क्लोजिंग था वैसे इसका भी क्लोजिंग है, ध्यान देना। रिटायरमेंट का जैसा क्लोजिंग इसका भी सेम, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते, ट्रेडिंग अकाउंट आउटर कॉलम में एक एक करके ले लो, पहले इसको 800 माइनस करेंगे तो ये आएगा 91,200, इधर 600 माइनस करेंगे 51,400 बराबर। चलिए अब टोटल लीजिए कितना आ रहा है बताइए, इसका टोटल 105,500, चलिए 105,500 माइनस कर दीजिए कितना आ रहा है देखिए 44,000, समझ में आया। इसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय जीपी, कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में, समझ में आया। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लो कितना आ रहा है 44,600 कितना 22,300। अब मैं इसको क्लोज करने से पहले एक एडजस्टमेंट जो रफ में लिख के रखा है वो लिखने का बाकी है, बैड डेब्ट्स। चलिए बैड डेब्ट्स पे आते हैं, तो बैड डेब्ट्स क्या लिख के रखा है यहां पे, तो मैं नेट सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान रखना 700 प्लस 1500 कितना हो गया 2200 में 3000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस आएगा, कितना नेगेटिव बैलेंस आएगा तो 800 रुपया नेगेटिव आएगा, 800 आएगा ना नेगेटिव, तो जो नेगेटिव आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे ही जाने वाला है, तो भाई क्रेडिट साइड पे बाय बाय यहां पे लिख देता हूं आरडीडी, समझ में आया ना, बाय आरडीडी कितना आया है 800, इक्वली बटेगा 400 400, समझ में आया क्या। चलिए अब इसका क्लोजिंग कर लेते, पहले सिर्फ प्री का क्लोजिंग करना है क्योंकि अपने को डेथ पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 22,700 माइनस कीजिए, माइनस करके आंसर बताइए कितना आ रहा है, छोटा सा अमाउंट है ज्यादा बड़ा नहीं है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है 12,725, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कहां जाएगा भाई एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो यहीं पे लिख देता हूं बाय यहीं पे आ गया भाई 12,725 बराबर है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,725। ईशा क्लियर है यहां तक, ईशा नहीं क्या नाम है दीपिका, हाँ जी नहीं वो लोग ने अलग अलग सॉल्व किया टेक्स्ट बुक के अंदर, पहले बैड डेब्ट्स इधर आरडीडी उधर, ऐसा सॉल्व किया है अलग अलग, मैंने एक साथ सॉल्व किया है क्योंकि सबको मेरे को टाइम रेशियो में डिवाइड करने का है, तो मैं ये अलग अलग सॉल्व नहीं कर रहा, बैड डेब्ट्स इधर आपको प्रॉफिट सेम मिलेगा, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रॉफिट विल बी सेम, ठीक है। चलिए बढ़ते आप 12,725 माइनस कीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी एंड एम कितना है भाई, कितना आंसर आ रहा है 8,000, मैं इधर लिख रहा हूं 8,225 आ रहा है। अब इसको इक्वली बांट देंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो कितना आ रहा है 2,741 पॉइंट जो भी आ रहा है। चलिए तो इसको एक को 2 कर देते, इसको 2 कर दिया, 2,742 कर दिया, 2,741 कर दिया बराबर है, या तो उसको 2,2 करके इसको 1 करो, 1 रुपए में ऊपर नीचे चलेगा। इधर डेबिट, हाँ
जरूरी नहीं है ना सबको 0.6 है, सबको है तो सबको इक्वली ट्रीट करो ना। अभी इसको एक एक रुपया दिया, इसको एक रुपया कम दिया, तो मान लेगा ना वो, सबको पूरा 5 रुपया इसको ही दे देगा, अरे इसको कहीं को 5 रुपया, मैं भी तो पार्टनर है इसके लिए, भाई थोड़ा थोड़ा सबको दो, बांटने से प्यार बढ़ता है बेटा, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट इस बाजू आ जाएंगे। बाय क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 2741 2742 2742। अरे समझा, अब फिर से डेथ पार्टनर का ही अकाउंट क्लोज होगा, जैसे रिटायरमेंट सेम वैसा ही, इसका टोटल ले लो भाई 12 32 32 और 34 34 34 34 प्लस वन कितना 26 240। समझ में, वेरी गुड कुलदीप, कभी कभी तो राइट दे देता आंसर, 26,241 कुछ माइनस होने लगा 4,000, 22,241 टू मिसेस ए लोन अकाउंट, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट लोन लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, मिसेस ए लोन 22,241। अब इस पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, 15% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि भाई 6 महीने थी, बाद में 6 महीने निकल लिए, तो इसका 15% 6 महीने के लिए निकालो, एड इंटरेस्ट ऑन लोन 1,068। इधर कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट दूसरा इफेक्ट जाएगा, डेबिट यहां पे आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,668। रिटायरमेंट जैसा ही है, अरे हाँ समझा, अभी रिमेनिंग अकाउंट क्लोज कर लेते फट से, चलिए आ जाते यहां पे, इसका अकाउंट क्लोज कर लेते, पोस्ट का टोटल ले लो 22,700, सेम ना 22,700, चलिए माइनस कीजिए ये पूरा अमाउंट, टू नेट प्रॉफिट माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, तानी का माइनस कर फटाफट, आर्यन तू माइनस नहीं कर रहे, तेरे पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा ना, 10,457। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट इस बाजू लिख देता हूं 10,457, सेम इधर आ जाएगा 10,457। इसमें से 3,000 माइनस हो जाएगा 7,457। अब ए को तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बी और इक्वली बटेगा, तो 7,457 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है 3,729। अरे समझा, उधर डेबिट तो पार्टनर के अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएगा इस बाजू, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऊपर भी हाँ एप्रोप्रिएशन ही लिखना ठीक है, इसको तो आएगा नहीं, 3,728 पक्का एंड 3,729। चलिए टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है देख लो, यस एक जन ए का सॉरी बी का, एक जन एम का टोटल ले लो कितना आ रहा है, एक जन बी और एक जन एम कितना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितना, ऑलमोस्ट सेम रहेगा दोनों का टोटल, खाली 1 रुपए का ऊपर नीचे रहेगा, 31,470, इधर 70 आएगा, ये 70 आएगा, ये 31,471 आएगा, 1 रुपए का फर्क है खाली बस, 31,471, 4,000 माइनस करोगे इसके अंदर, टू बैलेंस कैरी डाउन 20 470
27,471 बराबर। इधर डेबिट है तो लायबिलिटी साइड पे चले जाएगा एस कैपिटल, अंडरलाइन करके बी और एम 27,000 कितना आया भाई 27,470 471 यहाँ पे 470 27 471 टोटल आ जाएगा तुमको 54,941। इसको आउटर कॉलम में डाल दो अभी, चलो एक एक करके और एक जन टोटल करना चालू कर दो, बाकी असेट का माइनस करके रखना। इधर टोटल करो 9 6 और 1 10 8 और 1 9 2 और 1 3 और 2 इधर प्लस करेंगे 49,500 बाकी सब आउटर कॉलम है। असेट में आ जाता हूं, 20,000 में 1,000 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 19,000, 12 प्लस 24 36 36 में 3 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा बराबर है। बाकी इधर 1500 माइनस करेंगे 32,000 आएगा, बाकी सब तो है ही है, और कुछ नीचे रह गया क्या देख लेता हूँ, चलिए कुछ नहीं है, टोटल कीजिए चलिए फटाफट और बताइए दोनों का टोटल कीजिए, लायबिलिटी साइड का टोटल 88,000 पक्का, चलिए उस साइड का टोटल कीजिए फिर फटफट 88,000 तो मेरे को लग ही नहीं रहा है असेट का ना लाइव, मेरे को ये 88 तो लग ही नहीं रहा था, कोई भी कीमत पे नहीं लग रहा था, नहीं नहीं इनका उम्र हुआ है चलता है मेरे। कितना है 138,100 टोटल करके चेक कर लो, ठीक है समझ में आया। तो यहाँ पे डेथ भी कंप्लीट करता हूं, अभी फाइनल अकाउंट होल्ड पे रहेगा, मतलब अभी फाइनल अकाउंट तुम प्रैक्टिस करोगे, फाइनल अकाउंट बेसिक फाइनल अकाउंट हुआ, फाइनल अकाउंट एडमिशन हुआ, फाइनल अकाउंट रिटायरमेंट हुआ, फाइनल अकाउंट डेथ हुआ, और अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना तो मुझे जहां तक एक फीलिंग है एडमिशन के आने के चांसेस रहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर का फाइनल अकाउंट आने का चांसेस है, फिर भी आपको भी रिटायरमेंट डेथ के भी आपने इतने सम किए कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही। तो एडमिशन डन, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, पहले एस वाई बी कॉम की बात करो। देखो आपके एग्जाम अक्टूबर में आएंगे, सब कॉलेज की अलग अलग डेट है, सब कॉलेज का अलग अलग डेट है, तो मैं हर कॉलेज के हिसाब से अगर भागने जाऊंगा तो सब कॉलेज को पकड़ना है, तो मेरे को मेरा सिलेबस फटाफट भगाने का, तो फटाफट भगाने का इसका मतलब ही नहीं कि सिलेबस समझाना नहीं है। तो एफ ए की बात करूंगा तो सबसे पहला कंपनी फाइनल अकाउंट जो तुम्हारा है उसमें एडमिशन रिटायरमेंट डेथ इज डन, अमाल कमीशन करवाया मैंने तुम लोग को, एस वाई बी कॉम को भी एस वाई बैफ को भी चाहिए रिवीजन लगा अपने को, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो अपन रिवीजन भी चालू करेंगे, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा, पहले टॉपिक खत्म करते फिर रिवीजन चालू करेंगे। अमाल कमीशन डन, उसके बाद तुम लोग को है एफए के अंदर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रिवीजन लेना बिकॉज बहुत टाइम हो गया, तो ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद तुम्हारा और क्या बच गया है, कन्वर्जन एलएलपी बाकी है, यस एस वाई बी कॉम को भी है और एस वाई बैफ को भी है, कन्वर्जन करके एक टॉपिक है, यस तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो भी आपका लेक्चर रहेगा उसके अंदर भी हम कन्वर्जन चालू करेंगे, ये एस वाई बैफ को भी है और एस वाई बी कॉम को भी, मतलब ये एफ ए का एक टॉपिक आपका रह गया। उसके अलावा एफ ए के अंदर फॉरेन करेंसी मैंने एस वाई बैफ ऑलरेडी स्टार्ट किया है, मतलब आपका एफ ए का टॉपिक पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट जो अभी सबको बाकी है वो बचता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैपिटल बजटिंग वॉज द लास्ट टॉपिक, रेशियो का मैंने रिविजन ले लिया है, मैंने ऑलरेडी रेशियो का एक वीडियो बनाया है, बट ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं खत्म कर रहा हूँ, और एक दो लेक्चर्स लेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, खाली मैंने बैलेंस शीट ही करवाया था, अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन भी करवा दूंगा, बाकी दूसरे टीचर ने आपका पढ़ाया है मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। उसके अलावा वर्टिकल फॉर्मेट हो गया है, वर्टिकल फॉर्मेट के अलावा कॉमन कंपेरेटिव ट्रेंड मैंने ये रिविजन भी ले लिया आपका, क्लियर। वर्किंग कैपिटल डन, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है, और कोई तुमको ऐसा है कि बाकी है ऐसा कुछ तो मेरे को इन्फॉर्म करो। बैफ टैक्स कंप्लीट हो गया आपका, कॉस्टिंग मैंने अभी कॉस्टशीट तुम्हारा चालू कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मिस ने करवाया शायद तुम लोगों को, प्रोसेस कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्टार्ट किया मिस ने, तो प्रोसेस मिस ने करवा दिया आपको, तो प्रोसेस आप एक बार गो थ्रू करो, टाइम मिला तो मैं प्रोसेस का वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का भी सेम, कॉन्ट्रैक्ट मिस को मैं बोलता हूं तो मिस स्टार्ट कर देंगे आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया। उसके अलावा और क्या बच गया तुम्हारा कॉस्टिंग में,
डन, फिर टैक्स डन, एफए डन, और कुछ सब्जेक्ट तुम्हारा है जो प्रैक्टिकल में है? डन, मतलब अभी तुम्हारा सिर्फ सेल्स, वो जो एफए का बाकी है वही बाकी है। क्लियर। एस वाई बी कॉम का भी सिलेबस, मतलब ये वीक के अंदर अपन ट्राई करेंगे सिलेबस खत्म करके अगले वीक में रिविजन ले लूंगा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।